दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों, आज है जन्माष्टमी और सबसे पहले सबको राधे राधे और हैप्पी जन्माष्टमी टू यू ऑल। तो यार देखो, इंडिया में अभी होते तो काफ़ी ज़्यादा वैसे याद आ रही है सबसे पहली बात, और इंडिया में होते तो भाई रात में थोड़ा अलग ही माहौल होता है। मंदिरों में हर जगह सजे होते हैं, हर मंदिर सजे होते हैं, भजन वगैरह हो रहे होते हैं। अब ये लंदन है तो ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं, बट थोड़ा इसी माहौल को थोड़ा जीने हम जा रहे हैं अभी इस्कॉन टेम्पल। वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्केड्यूल है इस चीज़ का, फंक्शन वगैरह का, फेस्टिवल पे। तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। तो हम लोग पहुँच चुके हैं इस्कॉन टेम्पल, यहाँ पे गोविंदा रेस्टोरेंट इस्कॉन टेम्पल। और पहले यहाँ पे मेरे को लगा था कि हम जाएंगे ऊपर, दर्शन करेंगे, जो भी स्केड्यूल वगैरह है उसके हिसाब से थोड़ी चीज़ें देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आते आते ही हमको एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ मिल गया। यहाँ पे ये भीड़ देखो यहाँ पे, और ये रेस्टोरेंट की भीड़ नहीं है। यहाँ पे जनरली हमको यहाँ पे लंदन की साइड या स्कॉटलैंड के साइड रेस्टोरेंट के लिए लाइनें दिखती हैं कि उसके लिए वेटिंग लिस्ट है, लेकिन ये लाइन देखो आप, ये सिर्फ मंदिर की लाइन है। और ये रहा यश, इसको मैं दोबारा लेके आऊँ क्योंकि एक बार मैं वीडियो बना चुका हूँ लेकिन वो बनी नहीं, फ़ोटो खींच गई थी गलती से। और ये क्यों देखो आप, सबसे बेस्ट चीज़ है कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ना अपने ये इंडियन वो कुर्ता पजामा वगैरह में भी आए, काफ़ी लोग आए हैं। और काफ़ी लोग यहाँ पे एक्चुअली शॉक्ड हैं, जो कि ये मंदिर नहीं जा रहे हैं वो भी शॉक्ड है, बिकॉज इतनी बड़ी लाइन यहाँ पे लोगों को मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि इतनी बड़ी लाइन भी हो सकती है यहाँ पे। और पहले तो हमें लगा कि ये जैसे यहाँ पे शॉप है, ये ज़ारा की शॉप है, यहाँ पे इसकी लाइन होगी, लेकिन फिर हम थोड़ा आगे गए, इस्कॉन के सामने देखा ये लाइन ख़त्म हो रही थी, तो हम समझ गए कि ये जन्माष्टमी की भीड़ है। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा यार, लंदन में भी लोग इतना ज़्यादा अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं, लोग फॉलो कर रहे हैं सब। सारा आज वर्क डे है तो आई एम श्योर कि सब 5:30 के बाद अपना काम वगैरह ख़त्म करके जैसा हमने किया वैसे यहाँ पे पहुँचे हुए हैं जन्माष्टमी मनाने के लिए। तो ये देखो, ये आ गए हम यहाँ पे, ये एलिजाबेथ लाइन है, यहीं से हम बाहर आए थे। उस वक्त लाइन शायद यहीं तक की थी, बट अभी और पीछे हो गई है। अक्षय पाजी को हमने खड़ा किया हुआ है लाइन में, तो वो अभी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड है क्योंकि उन्होंने ये कितनी देर हो गई आपको लाइन में? 15 मिनट हो गए। भूख लगी है? ये बंदा इतना धार्मिक है, ये सीधा ऑफिस से आ रहा है, भूख लग रही है। लेकिन पहले हम दर्शन करेंगे, तब कुछ खाएंगे पियेंगे, ठीक है, क्योंकि जन्माष्टमी है। तो दोस्तों, भीड़ यहाँ पे बढ़ती ही जा रही है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे शॉप्स भी हैं जो कि गीता वगैरह बेच रहे हैं, ये देखिए आप। और ये रहा हमारा राधा कृष्ण टेम्पल। ये देखिए यहाँ पे, ये भगवत गीता वगैरह यहाँ पे लोग बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में दे रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। मतलब कुछ भी अमाउंट डोनेट करो आप, एक भगवत गीता ले लो तो सही है काफ़ी। दोस्तों, हम लोग लाइन में लगे हुए हैं और अभी यहाँ पे भजन करते हुए सारे इस्कॉन के काफ़ी सारे लोग। लेकिन ये इस्कॉन की भजन मंडली है जो पूरा, अब ये टॉटनहम कोर्ट रोड पे पूरा ये वॉक करेंगे भजन करते करते। और अभी भी काफ़ी लंबी लाइन है, अभी हम ज़ारा वाली शॉप तक नहीं पहुँचे हैं, तो कुछ ऐसा दिख रहा है अभी अंधेरा होने वाला है। तो हम लोग इस्कॉन में घुस चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण काफ़ी जल्दी जल्दी दर्शन करने पड़ेंगे क्योंकि बाहर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो दोस्तों, मेरे पीछे देख सकते हो भजन वगैरह चल रहा है, अभी रात के 10 बज रहे हैं।
दोस्तों ये देखो पीछे मेरे पूरा भजन वगैरह चल रहा है अभी, ये सारी लड़कियां डांस कर रही हैं, उसके पीछे जितने भी इस्कॉन के हमारे भाई लोग हैं जो इस्कॉन के मेंबर्स हैं वो सारे डांस कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो ये देखिए यहाँ पे काफी ज्यादा इलेक्ट्रिफाइंग माहौल है यार। मतलब इंडिया में थे तो ऐसा ही होता था, यहाँ पे भी मतलब काफी काफी सही है। हमें तो लगा नहीं था हम मना पाएंगे, बट यहाँ पे अब मजा आ रहा है। ये प्रसाद जो कि हम कहते हैं चरणामृत, वो मिल रहा है यहाँ पे, ये चीजें बट रही हैं अभी, लेते हैं। थैंक यू सो मच मैम। रात के 10:30 बज रहे हैं और अभी भी देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा है, अभी भी लाइन काफ़ी लंबी है। अभी हमारे साथ थोड़ी स्टोरी हो गई, वो मैं बताता हूँ आपको थोड़ा रुक के आराम से, कि हम थोड़ा जल्दी हमें कैसे मौका मिल गया दर्शन करने का। तो दोस्तों अब बज रहे हैं 10:30, रात के 10:30 बज रहे हैं, अभी भी मैंने दिखाया आपको कितनी लंबी लाइन थी, लेकिन अब हम जा रहे हैं घर क्योंकि एलिजाबेथ लाइन पकड़नी है, तो अभी थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा हमें, कल ऑफिस भी है तो थोड़ा काम वाम भी करना है अभी रात को, पाजी का भी बिजी सीजन टाइप का चल रहा है, रोज़ ऑफिस जा रहे हैं, तो अभी जाते हैं। अभी गजब की चीज़ हो गई कि हम 3-4 बार आ चुके हैं इस्कॉन टेम्पल, तो उसमें जो मेन पुजारी हैं वो मेरे को जानते हैं और थोड़ा अथर्व को जानते हैं, देखा हुआ है काफ़ी बार, तो वो आए हमारे पास, उन्होंने पूछा कि अथर रो रहा था, तो उन्होंने जल्दी जल्दी करा के 5 मिनट में अंदर ले गया, वो पूरा अंदर दर्शन वगैरह हो गए। एक बार और प्रियंका दोबारा अथर के साथ चली गई, तो अच्छे से दर्शन हो गए। अक्षय पाजी भी दोबारा चले गए, ये भी कैसा लगा अक्षय पाजी आपको? बहुत सुंदर ना, अच्छा लगा ना कि इंडिया की तरह जन्माष्टमी हो गई थोड़ी सी। तो दोस्तों तो इसी चीज़ पे फिर से मैं दोबारा कहता हूँ आपको हैप्पी जन्माष्टमी, और इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और हैप्पी जन्माष्टमी टू यू ऑल। बाय बाय।